Hello dear students, assalamu alaikum. I am your maths teacher. So today we'll study from countdown to 4, right? So we are on page 161. So today's topic is about angles, right? So here example of Japanese fan is given, that Japanese fan is of V shape, and all V shape figures and diagrams, they make an angle. So angles always have two arms, right? So here you can see the picture of the angle, right? One arm and two second arm, right? So these arms, when they are joined, like you can say the special word to describe the amount of turn between two arms, right? So that word is called angle, right? उस जहाँ पे दोनों arms मिलते हैं जाके, और वो जो कोना कह लें उसको हम vertex कहते हैं maths की language में, तो वहाँ जहाँ पे angle बनता है, that vertex की जगह पे उसको हम angle कहते हैं, और जिस जगह पे वो मिलते हैं कोना बनता है उसको vertex भी कहा जाता है, right? So here एंगल को लिखने के लिए सपोज़ ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा जीरो होता है, उसको हम डिग्री कहते हैं, राइट? तो हियर यू कैन सी डिफरेंट वर्ड्स आई हैव रिटन, ये दो आर्म्स हैं, राइट? और ये दोनों मिलके जिस जगह पे ये मिल रहा है इसको वर्टेक्स कहते हैं, और ये एंगल बनाते हैं, एंगल को हम इस तरह से शो करते हैं, राइट? सो एंगल, वर्टेक्स, आर्म और डिग्री, चार चीज़ें होती हैं जो आपने याद रखी हैं। कैन बी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये देखिए राइट एंगल जो है वो इस शेप का होता है, दोनों लाइनें जो है वो एक हॉरिजॉन्टल होती है, कुछ बिल्कुल उसके ऊपर वर्टिकल होती है, तो वो एंगल जो बनता है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ए ओ बी, या बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं आप। देन एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन 90, इसको हम 90 डिग्री, राइट एंगल को हम 90 डिग्री का एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल कह लें या 90 डिग्री का एंगल कह लें। तो एक्यूट एंगल दूसरा है, एक्यूट एंगल जो है वो लेस देन होता है 90 डिग्री से, कम एंगल जो है वो होता है, चाहे वो 87 का 89 का, वो दैट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो ये एक राइट एंगल है जिसके अंदर हमने ये लाइन ड्रॉ की है, तो ये दो एक्यूट एंगल उसके अंदर बन रहे हैं, राइट? सपोज़ ये अगर 45 का है तो ये भी 45 डिग्री का बन रहा है, तो वो एक्यूट एंगल होते हैं। ये भी एक अलग से मैंने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया, इसको आप पढ़ सकते हैं ए ओ बी, राइट? देन ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री से बड़ा एंगल और 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है आपका, राइट? ओके, देन ओके स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर आप 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं दूसरा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन है और वो 90 डिग्री का एंगल एक साइड पे बना दी, दूसरी साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री के दो एंगल्स हों, राइट, दोनों को जमा करें तो हमारे पास 180 डिग्री का एंगल आता है, तो स्ट्रेट एंगल जो है 180 डिग्री का एंगल होता है, इसको आप ए ओ बी भी पढ़ सकते हैं, राइट? ए ओ बी। देन इस रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो है वो एक एंगल जो आपका फर्ज करें ये एंगल है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो बाहर वाली साइड होती है जो एंगल आपको ड्रॉ नहीं हुआ होता, जिसका वर्टेक्स नहीं बना होता, तो उसको आप रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, राइट? सो हियर आई कैन शो यू, यहाँ पे देखें ये है, ये एक एंगल है बना हुआ उसके अंदर वाली साइड जो वर्टेक्स की है, लेकिन जो बाहर वाली साइड होती है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, राइट? ओके, देन वी लर्न अबाउट दिस प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर जो है वो आपकी जो इसमें ज्योमेट्री है, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये एक प्रोट्रैक्टर है, राइट? ये उसकी सीधी साइड है मेरे हाथ में, राइट? यू कैन सी, तो इसमें देख सकते हैं आपके ये, इसको आप ज़ीरो कहते हैं और इसकी एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसके ऊपर जो है वो नंबर्स होते हैं, ये बाहर वाली साइड है, ये
और ये एक अंदर वाली साइड है, जो कि बाहर वाली साइड भी जीरो से शुरू होके 90 और 90 से शुरू होके फिर 180, तो ये एक आपका स्ट्रेट एंगल भी है जो 180 का एंगल बना। ये एक लाइन है जिसके ऊपर एक कर्व है और जो 180 डिग्री का है, तो ये जीरो से शुरू होके 180 तक जाता है। इस तरह से एक अंदर उसके एंगल होता है जो ये जीरो है, ये भी जीरो से शुरू होके 180 डिग्री तक जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे आप इस तरफ से मेजर करें राइट साइड से, चाहे आप लेफ्ट साइड से मेजर करें, आप दोनों साइड से एंगल जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से हम डिफरेंट एंगल्स जो है वो ड्रॉ करेंगे एक्सरसाइज में। तो लेट्स सी, तो प्रोट्रैक्टर की मदद से डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करके फिर आपने उसका प्रोसीजर लिखना होता है। फर्ज करें ये आपको एक एंगल 30 डिग्री का एंगल दिया गया है, राइट, ये 30 डिग्री का एंगल दिया गया। तो इसमें वो कहता है कि पी क्यू आर एंगल, ये पी क्यू आर एंगल है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन लिखें कि आप किस तरह से प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाते हैं। पी क्यू आर एंगल आपको ऑलरेडी दिया गया है, मेजर करना है आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से, देन उसके ऊपर जो है वो लाइंस ड्रॉ करनी है आपने ओ पी और पी आर। यहाँ पे ओ पी क्यू आर देखे ओ भी लिख दिया हुआ है, एरर भी हो सकता है ये, तो यहाँ पे ओ पी हम लिखेंगे और ओ आर को लिखेंगे। सो ये चार और पांच स्टेप्स हैं जो आपने मतलब प्रोट्रैक्टर की मदद से जब एंगल बनाते हैं तो ये लिखने सीखने हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट एक्सरसाइज ऑफ सहमत बी। थैंक यू।